उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायकों को धमकी मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताजा मामला मुरादाबाद के मौजूदा शहर विधायक रितेश गुप्ता से जुड़ा हुआ है। फिलहाल विधायक के घर के बाहर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुरादाबाद से नगर भाजपा विधायक रितेश गुप्ता के अनुसार वो अपने परिवार के साथ भारत से बाहर विदेश घूमने गए हुए थे। आज जब वो मुरादाबाद वापस आए तो उन्होंने मोबाइल पर व्हाट्सएप चेक किया तो उन्हें अली बुदेश के नाम के व्यक्ति से रंगदारी की धमकी मिली है। अपना व्हाट्सएप में चेक कर रहा था तो उस व्हाट्सएप पे एक आईएसडी इंटरनेशनल नंबर से एक मैसेज पड़ा था, तो मैंने उसको खोल के देखा तो उसमें मुझको और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी उसमें लिखी हुई थी और उसमें 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। बल्कि उसमें यह भी लिखा है कि हमें पता है कि जब तक आप अपने परिवार से किसी व्यक्ति की लाश को नहीं देख लोगे तब तक 10 लाख का इंतजाम नहीं करोगे, इस तरह से धमकी भरे शब्द उसमें लिखे गए थे। तो जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तो उसके बाद मैंने शीघ्र एसएसपी मुरादाबाद को फोन मिलाया, उनसे मेरी बात हुई और बात करने के बाद एक तहरीर मैंने एसपी सिटी को अंकित मित्तल को भिजवाई है। तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जिनको धमकी मिल चुकी है। तो एटा के अलीगंज से विधायक सतपाल राठौर को धमकी मिली है। सीतापुर मोहली से शशांक त्रिवेदी को धमकी मिली है। बरेली फरीदपुर से श्याम बिहारी लाल को भी धमकी मिली है। अली बुदेश नाम के इस युवक ने धमकी दी है, व्हाट्सएप के जरिए ये धमकी दी है। तो ये वो विधायक हैं जिनको धमकी मिली है। खीरी के मोहम्मदी से लोकेंद्र प्रताप सिंह को भी धमकी मिली है। गोरखपुर से भी जो विधायक हैं उन्हें धमकी मिली है। लखनऊ पश्चिम से सुरेश श्रीवास्तव को धमकी मिली है। कुशीनगर से रजनीकांत मणि त्रिपाठी को धमकी मिली है। महनौम से विनय कुमार द्विवेदी को धमकी मिली है। लखनऊ उत्तरी से नीरज वोरा को भी धमकी मिली है। ये वो तमाम विधायक हैं जिनको धमकी के मैसेज व्हाट्सएप के जरिए दिए गए हैं। उन्नाव से रामपाल वर्मा को भी धमकी मिली है। रायबरेली के सरैनी से धीरेन्द्र बहादुर सिंह को भी धमकी मिली है। हरदोई के गोपा मऊ से श्याम प्रकाश को धमकी मिली है। बांदा के तिंदवारी से ब्रिजेश कुमार प्रजापति को धमकी मिली है। बुलंदशहर डिबाई से अनीता राजपूत को धमकी मिली है। ये वो तमाम विधायक हैं जिन्हें धमकी मिली है। शाहजहांपुर से मीरनपुर कटरा से वीर विक्रम सिंह को भी धमकी मिली है। गोंडा तरबगंज से प्रेम नारायण पांडे को धमकी मिली है। बदायूं से आर के वर्मा को धमकी मिली है। बाराबंकी के कुर्सी से साकेंद्र वर्मा को धमकी मिली है। ये वो तमाम नाम हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये वो विधायक हैं जिन्हें अभी तक धमकी मिल चुकी है। तकरीबन 25 से ज़्यादा ऐसे विधायक हैं जिन्हें धमकी मिल चुकी है और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। पुलिस में इस बात की इत्तला दे दी गई है, शिकायत दर्ज करा दी गई है, लेकिन उसके बाद अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। उधर सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और एसआईटी के गठन होने के बाद भी कुशीनगर से बीजेपी विधायक रजनीकांत मणि को दोबारा धमकी मिलना बेहद ही चिंता का विषय है। इसके बावजूद भी कुशीनगर की पुलिस विधायक की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रही। सुरक्षा का की खाना पूर्ति के लिए आपको बता दें कि उनके आवास पर महज 2 पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, जबकि प्रारंभिक जाँच में पाकिस्तान के नंबर को इस्तेमाल करने की बात भी सामने आ रही थी। विधायक खुद भी जिला पुलिस द्वारा की गई व्यवस्था से आश्वस्त नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तक तो जांच की विषय ये कि किन लोगों के द्वारा ये धमकी दी जा रही है, कौन सी एजेंसी है, कौन लोग हैं जो सामूहिक रूप से विधायकों को धमकी दे रहे हैं, उनकी मंशा क्या है, और ये तभी तय होगा जब व्यक्ति चिन्हित होगा। तो हमने तो एक FIR हजरतगंज थाने में दर्ज करा दिया है और विचारा चल रही है, उसमें SIT गठित है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT गठित कर दिया है।